हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. इट्स ऑल अबाउट लविंग योरसेल्फ. तो आज से छठ पूजा शुरू हो चुकी है. आज फर्स्ट डे है नहा खा. तो इस दिन जो भी छठ पूजा करते हैं उनके लिए आज से ये स्टार्ट हो चुका है. तो आज फर्स्ट डे था जिसमें वो नहाने के बाद में लौकी एंड चावल, लौकी की सब्ज़ी और चावल जो है वो खाते हैं. तो आज कुछ ज़्यादा नहीं है, बट यस, तैयारियाँ बहुत हैं. और मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी छठ पूजा की शॉपिंग, जो भी मैंने किया है. तो नॉर्मली ये होता था कि जब भी हम आते थे तो मैं आती थी छठ पूजा में या दिवाली में, तो मैं अपने लिए पहले से लेकर के ही आती थी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. इस बार भी यही था, बट इस बार ऐसा हुआ कि हमें थोड़ा टाइम मिला शॉपिंग करने का मेरे लिए. तो मम्मी का कहना था कि चलो, मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि थोड़ा टाइम हमें मिला है. चलिए बिना देरी किए शुरू करती हूँ मैं दिखाना आप लोगों को कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों से ये करनी है कि आप लोगों को बैकग्राउंड में एक नॉइज़ ज़रूर सुनाई देगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है उस बिल्डिंग में. तो उसके वजह से आपको खाट खाट जो भी साउंड्स होते हैं वो आपको ज़रूर सुनाई देगी. और मेरे घर के पास में रेलवे स्टेशन भी है, तो उसकी वजह से आपको ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ भी सुनाई देगी. तो सारी चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करो और मेरे पे ध्यान दो कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या रिव्यू कर रही हूँ. सो यस, बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे साउंड्स की आवाज़ आएगी, बहुत सारी आवाज़ आएंगी, बैकग्राउंड म्यूज़िक आएगा. सो प्लीज़ इग्नोर दिस बैकग्राउंड म्यूज़िक. एंड ऑल्सो लाइटिंग का भी इशू है, बिकॉज कभी बादल है, कभी धूप है, तो कभी बिल्कुल काफ़ी अच्छा हो जाता है ब्राइट, एंड देन कभी बिल्कुल डल सा हो जाता है. सो आई नो कि डिस्टर्बेंस होगा, बट प्लीज़ इग्नोर ऑल दोस बैकग्राउंड म्यूज़िक. आपको शायद माइट बी ट्रेन के ऑन की आवाज़ आई होगी, नॉट श्योर. सो मैंने इतनी सारी शॉपिंग करी है. सो मैं फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ साड़ी से, जो मेरे भाई ने एक्चुअली मेरी मम्मी को और मुझे दिया है छठ पूजा के लिए. सो दिस इज़ द फर्स्ट साड़ी, जो कि बंगाली तांत में है, इसे तांत साड़ी भी बोलते हैं. तो यहाँ पे एक शॉप है सेठानी करके एक शॉप, जहाँ पे साड़ियाँ सूट्स आपको बहुत मिल जाएंगे अच्छे अच्छे कलेक्शंस में. तो वहाँ से मैंने इसे लिया था. सो दिस इज़ द साड़ी. तो ये साड़ी में ऐसे ऐसे करके प्रिंट्स हैं, मतलब प्रिंट्स क्या, ये वर्क एक तरह से है. तो ये पूरी साड़ी में ऐसे आपको मिलेगा. एंड देन इसका बॉर्डर, इसका जो बॉर्डर है ये ऐसा है. तो दोनों तरफ ही सेम बॉर्डर्स हैं ऊपर और नीचे में. एंड यस, ये कॉटन में तांत की साड़ी है, जो कि मुझे बहुत पसंद है. बंगाली जो तांत साड़ियाँ होती हैं, आई जस्ट लव देम. और उन्हें थोड़ा कैरी करना मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो बहुत ही बिल्कुल कड़ी सी रहती हैं. तो आपको उसमें थोड़ा सा पहनने में इशू होगा, बट इट्स एक्चुअली में वेरी, इट लुक्स स्मार्ट. तो जब भी आप पहनोगे वो बहुत ही एक अच्छा प्रोफेशनल फॉर्मल लुक देता है ये साड़ियाँ पहनने से. सो आई जस्ट लव तांत साड़ीज़. मेरे पास और भी हैं तांत साड़ीज़ जो मैंने ली थी पहले भी. इसका पेपर मैं हटा देती हूँ, वन सेकेंड. मैं इसके पहले कोलकाता भी गई थी, तो मैंने वहाँ से भी एक तांत साड़ी ली थी, वो भी रखी हुई है. और इसमें मुझे फॉल लगाना है मम्मी के लिए अभी, तो इसके बाद मैं इस साड़ी में फॉल लगा दूँगी ताकि वो छठ में पहन सके इस साड़ी को. सो ये आँचल है, और आँचल बहुत ही सुंदर है. ये आँचल है पूरा, और आँचल में भी ऐसे बॉर्डर्स हैं, देन फ्लावर्स हैं. ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था और अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है. बस इसमें फॉल हो जाए तो ये बिल्कुल साड़ी रेडी हो जाएगी पहनने के लिए. एंड आज तो मैं लगा ही दूंगी किसी भी हाल में इसे. तो इसका प्राइस था
1515 rupees, no discount. So this is a hand loom. So this is a hand loom actually sari. तो ये तांत में है और this is cotton. बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद में. So ये आंचल है and ये पूरी साड़ी में इस तरफ ऐसे आएगा and this is the border. तो ये हमने मम्मी के लिए लिया है और इससे जब मेरी मम्मी पहन लेगी देन आई शो यू कि उनके ऊपर में कैसा लगता है. वो मैं अपने छटके ब्लॉग में ही मैं आपको दिखा दूँगी क्योंकि आज तो इसको फॉल लगाने में पूरा मतलब कुछ टाइम तो आज चला ही जाएगा मेरा इसको फॉल लगाने में. सो ये आज बन के रेडी हो जाएगी उनके लिए तो वो पहन सकती हैं फिर इसके. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन. कॉटन कपड़े ऐसे भी बहुत अच्छे होते हैं और मेरी मम्मी को कॉटन एंड शिफॉन दो कपड़े बहुत पसंद है, दो मटेरियल्स. एंड दिस इज़ द कॉटन वन. इवन कॉटन मुझे भी पसंद है. फॉर्मल लुक्स में ये सब साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं पहनने के बाद में, इवन फॉर ऑफिस यूज़ ऑल्सो. सो आप चाहो तो इसको ऐसे साड़ियाँ ले सकते हो. मैं कोलकाता गई थी तो मैंने वहाँ से अपने लिए एक साड़ी ली थी, आई थिंक पिंक कलर में ली थी. मैंने पहना नहीं उसे अभी तक के, मौका नहीं मिला, बट जब मिलेगा तो ज़रूर पहनूंगी. मुझे वो भी बहुत पसंद थी साड़ी, कभी मैं आपको दिखा दूंगी वो साड़ी भी, पता नहीं अभी कहाँ रखी हुई है. सो अनदर वन जो मैंने जो मेरे भाई ने मेरे लिए ली है मेरी पसंद की, मुझे ये पसंद बहुत मतलब ये साड़ी बहुत पसंद आई थी. दिस इज़ अ येलो कलर हैंडलूम साड़ी. ये भी बंगाली तांत साड़ी है कॉटन में. मटेरियल इज़ कॉटन, सो बंगाली तांत इसको बोलते हैं. अगर मोस्टली बंगाल में आपको जामदानी, ढाकाई एंड देन तांत, ये सब आपको साड़ियाँ मिल जाएंगी. तो दिस वन इज़ द तांत साड़ी. तो इसका भी बिल्कुल सब कुछ सेम पहले की जैसा ही है, सिर्फ कलर इज़ डिफरेंट. सो मुझे येलो कलर भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर है, सो मैंने येलो में लिया. और कॉटन की साड़ियाँ आपको येलो में बहुत सुंदर लगती हैं पहनने के बाद में. सो दिस इज़ अ प्रिंट, ये आंचल है बेसिकली. सो दिस इज़ द आंचल और इसमें भी फॉल लगाना है बट मैं अभी नहीं लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी, मुझे तो पहनना है. सो दिस इज़ द बॉर्डर. तो ये बॉर्डर ऊपर नीचे सेम है, नो डिफरेंस. इसका भी पेपर मैं हटा दूँ और इसके अंदर और पूरी साड़ी में ऐसा प्रिंट है, कुछ ऐसा, ऐसे फ्लावर्स हैं पूरी साड़ी में. इसमें ये फ्लावर्स बने हुए हैं हर जगह, थोड़े छोटे थोड़े बड़े. इनमें ब्लाउज पीस नहीं है. सो इसका भी प्राइस 1515 रुपीज़, नो डिस्काउंट. ये भी सेठानी शॉप से ही है. वहाँ पे तांत की साड़ियाँ अच्छी थी और जो मुझे बहुत कुछ कुछ कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, उनमें से ये है. एंड येलो इज़ माई सेकेंड मोस्ट फेवरेट कलर. कभी कभी फर्स्ट भी हो जाता है जब मैं रेड से बोर हो जाती हूँ तो. सो दिस इज़ माई साड़ी. इसमें फॉल लगाना है बट मैं बाद में लगा लूँगी, पहले मम्मी में लगा लेती हूँ. मैं तो अपने लिए कुछ सूट वूट पहन लूँगी और छठ पूजा में. कुछ ऐसी लगेगी ये. I don't know why, but मुझे पता नहीं क्यों तांत की साड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं. तांत में भी येलो और पिंक. वैसे तो एक पिस्ता ग्रीन कलर भी होता है, वो भी मतलब इट लुक्स ऑसम. तो दीज आर द स्टैंडर्ड कलर्स और ये बहुत मतलब अच्छे लगते हैं. पता नहीं पहनने का मौका कब मिलेगा बट मैं पहनूँगी ज़रूर. मुझे बहुत पसंद आया था एंड इट्स अ गिफ्ट. भाई दूज के टाइम पर भाई ने दिया था कि ये ले लो. वैसे मैं पहन सकती हूँ उसको छठ पूजा में. आई ट्राई कि मैं पहनूँ उसे, अगर हो पाया तो. मुझे ब्लाउज़ देखना पड़ेगा इसके लिए. ब्लाउज़ है तो इसे मैं पहनूँगी, अदरवाइज सूटी पहन लूँगी. सो वो दो साड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं. अब हम चलते हैं
जो मैंने सूट पीसेस लिए हैं वो दीज आर नॉट रेडीमेड सूट्स और कुर्तीज़, ये मैंने सूट पीसेस ही लिए हैं। और तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द पिंक कलर सूट। तो इसमें कुछ ये गोल्डन सीक्वेंस में ये नेक पे डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी है। और ये पूरे में इट्स लाइक फ्लोरल प्रिंट, तो ये पूरे सूट में, कुर्ते में फ्लोरल प्रिंट है। और इसके बॉटम में जाकर ये गोल्डन बॉर्डर है एंड देन पोल डिटेलिंग है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब ये मेरी सबसे पहली चॉइस थी सूट पीसेस में जो भी मैंने देखे थे। मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ द गुड। एंड मुझे कुछ पिंक में लाइक फ्लोरल में ही मुझे चाहिए था बिकॉज़ आई लव फ्लोरल प्रिंट्स। तो और इसमें जितना मुझे चाहिए था कि नेक पे डिज़ाइन हो उतना ही है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ सीक्वेंस वर्क पसंद नहीं आता मुझे, तो इसमें जितना चाहिए था उतना ही है। ये पूरा सूट सिर्फ नेक पे ही प्रिंट मतलब वर्क है। एंड देन पूरा फिर इट्स लाइक खाली, पूरे में सिर्फ प्रिंट रह गए हैं और नीचे में जाकर के ये बॉर्डर है, दैट्स इट। और इसका जो सलवार का कपड़ा है वो नेवी ब्लू में है, इट्स लाइक 2.5 मीटर। हाँ, 2.5 मीटर। सो ये सलवार का कपड़ा है नेवी ब्लू कलर में। आज कुछ सब सब कुछ बिल्कुल ब्लू ब्लू हो रखा है, पीछे में कुशंस ब्लू एंड देन मेरा टी शर्ट ब्लू, एवरीथिंग इज़ ब्लू। एंड देन ये दुपट्टा चुनरी प्रिंट, एंड चुनरी प्रिंट इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट। सो ये चुनरी प्रिंट में है और ये गोटा पट्टी का बॉर्डर है इसमें भी, और ये भी नेवी ब्लू का दुपट्टा है और रेड कलर का इसमें प्रिंट्स है। तो ये भी मेरा, मुझे अच्छा लगा, इसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगा। देन ये कॉर्नर्स में दुपट्टे के इस तरह के लटकन है, अच्छा है। तो ये फर्स्ट सूट है। ये मैंने पंचवटी करके शॉप है यहाँ पे, वहाँ से लिया था। ये 1715 रुपीज़ का है, 1715 रुपीज़ का ये सूट पीस है। ये वो पहला पिंक कलर का फ्लोरल पैटर्न में सूट पीस है जिसमें नेक पे एम्ब्रॉयडरी है गोल्डन सीक्वेंस वर्क में, और नीचे बॉटम पे बॉर्डर है गोल्डन लेस में पर्ल डिटेलिंग के साथ में। और पूरे सूट पीस में छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं जो कि काफ़ी यू नो शाइन करते, कभी कभी अच्छे लगते हैं देखने में। और इसका जो दुपट्टा है वो है चुनरी प्रिंट में जिसमें भी गोल्डन गोटा पट्टी का वर्क है, एंड देन कॉर्नर पे लटकन लगाए लगे हुए हैं। एंड देन इसका सलवार भी नेवी ब्लू में है जो कि आप देख सकते हो ये सूट पीस को। ये मैंने पहला जो मैंने लिया है सूट पीस यहाँ से वो यही है। देन सेकेंड इज दिस ब्यूटिफुल येलो सूट पीस, इसमें भी नेक में डिज़ाइन है। पता नहीं क्यों मुझे जो सिर्फ नेक पे एम्ब्रॉयडरी या डिज़ाइनिंग होती है मुझे वही पसंद आता है। देन पूरा सूट इट शुड बी प्लेन एंड सिर्फ नेक पे एम्ब्रॉयडरी हो, पता नहीं मुझे क्यों पसंद आता है ऐसा, लेकिन क्या करें, ऐसी ही चॉइस है मेरी कुछ। तो ये इसका अगेन नेक और ये एम्ब्रॉयडरी है, पिंक पिंक एम्ब्रॉयडरी है, पिंक गोल्डन एंड देन स्टोन्स लगे हुए हैं इसमें। तो ये कुछ ऐसा है इसका नेक, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। इसमें और भी कलर्स थे, आई थिंक ब्लू एंड
ये दूसरा सूट पीस है जो येलो कलर में है, और इसका दुपट्टा आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है और गोल्डन लेसेस लगे हुए हैं। इसके दूसरे कलर्स भी हैं, दिस वन इज द पीच कलर और इसी में ब्लू कलर भी है जो नीचे रखा हुआ है। तो ब्लू मैंने नहीं लिया, पीच मैंने नहीं लिया, ये अगेन अनदर थोड़ा बहुत हट के इसी के जैसा ही था। ये भी एक कलर था काइंड ऑफ ऑरेंज में, तो मुझे येलो ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगा। इसमें स्लीव्स हैं, आपको अपने साइज़ का इसको बनवाना होगा। और तो ये काफ़ी ब्रॉड है सूट पीस, काफ़ी ब्रॉड में इसके नीचे में इसके ये बॉर्डर है। का प्राइस है 1490 रुपीज़, ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ का ये सूट पीस है। एंड सबसे ज़्यादा मतलब मुझे कुर्ते से भी ज़्यादा अगर कुछ खूबसूरत लगा था तो वो था दुपट्टा। इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है एंड मैं इसका पहला सलवार दिखा देती हूँ। तो इसका सलवार का कपड़ा भी बिल्कुल सेम है कुर्ते के कपड़े के जैसे में, तो नो कॉन्ट्रास्ट, सेम कलर। दुपट्टा ज़्यादा खूबसूरत है तो मैं दुपट्टे की वजह से भी इसको ले लिया था। सो ये दुपट्टा है, सो दिस इज़ द सेकेंड वन। मुझे ये जो भी मैंने लिया ऑब्वियसली मेरे मुझे जो पसंद आया था मैंने वही लिया है। लेट्स सी जिनके लिए मैंने लिया है गिफ्ट के लिए उनको भी पसंद आएगा कि नहीं। अगर उनको पसंद आया तो अच्छी बात है, अगर उनको पसंद नहीं आया तो फिर नहीं रख लूँगी। एनीवेज, सो दिस इज़ द थर्ड वन। ये थर्ड कुर्ता है, ये पीच कलर का कुर्ता मैंने लिया है, मतलब सूट पीस। पता नहीं ये पीच कलर आपको एग्जैक्टली पीच कलर दिख रहा है कि नहीं, कुछ और कलर तो नहीं आ रहा कैमरा में, आई डोंट नो। तो ये पीच कलर का, इसमें थ्रेड वर्क है, सॉरी रेशम का एम्ब्रॉयडरी है। इस पे भी अगेन नेक पे ही एम्ब्रॉयडरी है एंड बॉर्डर पे यही अगेन एम्ब्रॉयडरी है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत स्मार्ट पीस है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है ये भी किसी को भी आराम से फिट हो जाएगा। एंड देन इसके साथ में अस्तर का कपड़ा जो होता है कुर्ते के साथ में, ये भी स्टिच होगा अंदर में, ताकि ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ कुर्ता तो नहीं बनवा सकती। तो इसके लिए अस्तर का एंड सलवार का कपड़ा इसमें दिया हुआ है। अराउंड ये 4.5 या 5 मीटर कपड़ा है इसमें। और ये भी मैंने सेम शॉप से लिया था, पंचवटी से, और 1415 रुपीज़ का। सो 1415 रुपये का ये सूट पीस है। एंड देन इसका भी दुपट्टा इसका काफ़ी सिंपल है, मतलब दुपट्टा इतना कुछ खास नहीं लगा, बट ठीक है, मतलब लाइक सेम कलर का है, पीच कलर का सूट, तो पीच कलर का दुपट्टा कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है। तो ये दुपट्टा है गोल्डन, इसका भी यहाँ पे गोल्डन बॉर्डर है, बिल्कुल पतली सी गोल्डन बॉर्डर। एंड देन पूरा दुपट्टा में भी छोटे छोटे एम्ब्रॉयडरीज हैं, अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो। एंड देन उसमें कुछ सीक्वेंस का वर्क है, तो थोड़ा सा ये शाइन करेगा दूर से, अच्छा अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ अ दुपट्टा। सो काफ़ी मैंने चटक कलर्स ले रखे थे, तो मुझे चाहिए था कि कुछ सिंपल सा अच्छा सा सिंपल सोबर सा कलर हो, जो मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे पहनने पे। ज़्यादा ब्राइट कलर्स भी हमेशा पसंद नहीं आते पहनने के लिए, और लगता है कि थोड़ा सिंपल से कलर्स हो। एंड दीज कलर्स आर लाइक कभी भी पहन के चले जाओ, किसी सिंपल ओकेजन्स में भी पहन के जा सकते हैं, एंड ऐसे भी कभी मैं जा सकती हूँ, ऑफिस में भी जा सकती हूँ कभी, अगर कुछ एथनिक डे या ऐसा कुछ आया, अगर नहीं भी आया तो भी पहन सकते हैं, मतलब काफ़ी सिंपल और सिंपल भी है। एंड देन कुछ स्मॉल फंक्शंस एंड ओकेजन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। वैसे तो मैंने ही पसंद किए हैं चारों, तो मेरे तो फेवरेट होंगे। सो दीज आर द थ्री। द लास्ट वन बिल्कुल सेम है, पैटर्न डिज़ाइनिंग एवरीथिंग इज सेम, मटीरियल इज सेम, ओनली थिंग इज कलर। सो दिस इज़ अ गोल्डन कलर। तो ये गोल्डन कलर का कुर्ता भी है
एंड देन गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयड्रीज भी हैं इसमें एंड देन सेम बटन्स आर देयर और इसका भी प्राइस सेम है 1415 रुपीज़ और ये भी सेम शॉप से है. एंड देन चंदेरी सिल्क, सो दिस मटेरियल इज़ कॉल्ड चंदेरी सिल्क जो मुझे पसंद आ रहा है आया है. मैंने इसके पहले भी एक चंदेरी सिल्क में बनवाया था सूट पीस तो मुझे अच्छा लगा था सर चंदेरी सिल्क एंड देन उसके अंदर भी अस्तर का कपड़ा इज़ सेम. सो इसका भी मटेरियल सेम है, डिज़ाइन सेम है, सेम बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी में नीचे में यहाँ पे एंड देन पूरे कुर्ते में छोटे छोटे एम्ब्रॉयड्रीज. ये रहा गोल्डन में दूसरा कलर, एक और है जो ग्रीन कलर में था जो मैंने लास्ट में नहीं लिया, ये भी मैं ले रही थी और बाकी तो आप देख ही सकते हो. यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटीज़ थे जो अच्छे लग रहे थे बट मैंने नहीं लिया. आप कुछ ही तो ले सकते हो जो पसंद आएगा आपको ऑब्वियसली. सो ये भी और दुपट्टे थे, कुछ सूट पीसेस और भी थे जो अच्छे लग रहे थे तो ये सारी वैरायटीज़ वहाँ पर थी शॉप में. ये भी एक अच्छा सूट पीस था बट मैंने इसे नहीं लिया क्योंकि मुझे येलो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर लगा. इसका भी अच्छा था कॉम्बिनेशन, दुपट्टा पिंक एंड देन मस्टर्ड येलो कलर में ये सूट पीस था. ये भी एक ग्रीन कलर का था जो अच्छा लगा था मुझे सूट पीस बट मैंने फिर इसे नहीं लिया कि ऑलरेडी मैं 4 ले चुकी थी तो मैंने सोचा कभी और देखूँगी बाद में मन किया तो. तो ये थे देन और भी इसमें, ये भी एक सी ग्रीन कलर में था, ये भी फिर मैंने नहीं लिया. तो ये कलर मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि लूँगी बट मैं श्योर नहीं थी कि मेरे पे कैसा लगेगा. बट जब मैंने ट्राई किया तो मुझे लगा कि नहीं, इतनी भी बुरी नहीं लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ. तो मैंने ले लिया इसको क्योंकि मैंने सोचा कि ठीक है. और ये इसके अस्तर का कपड़ा है जो भी गोल्डन कलर का है, बिल्कुल उसी के मैचिंग का. तो ये वाला अस्तर का है और इसमें सलवार का भी कपड़ा है तो ये भी अराउंड 4.5 मीटर ऐसे 4.5 या 5 मीटर ये भी कपड़ा है, अच्छा खासा बड़ा कपड़ा है. और ये इसका दुपट्टा जो गोल्डन में है अगेन इसका भी सेम गोल्डन का बॉर्डर है एंड देन गोल्डन के प्रिंट मतलब एम्ब्रॉयड्रीज हैं उसमें, सीक्वेंस वर्क है पूरे दुपट्टे में. तो अच्छा लग रहा था जब मैंने वहाँ पे ट्राई किया तो. तो ये थी मेरी छत की शॉपिंग जो मैंने आपसे शेयर किया. होप आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो एंड देन मैं इसके बाद अपना छत का ब्लॉग शुरू करूँगी तो होप यू विल एंजॉय दोज वीडियोज़ ऑल्सो. देखते हैं कि मेरी छत पूजा की सेलिब्रेशन कैसी रहती है. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक. इफ यू रियली लाइक देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.